ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल नेता नवीन पटनायक लगातार 5 बार गंजाम जिले की हिंजली विधानसभा सीट से जीते हैं। इससे पहले 2 बार वो यहीं की आसका लोकसभा सीट से जीते थे। राजधानी भुवनेश्वर से करीब 170 किलोमीटर दूर बसा हिंजली ऋषिकुल्या नदी और घोड़ाहाड़ो नदी के नजदीक है। ये विधानसभा क्षेत्र गंजाम जिले और आसका लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। नवीन पटनायक यहाँ 6ठी बार चुनाव मैदान में हैं। वे लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, जो दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता इतने सालों बाद भी बनी हुई है। पंचायत लेवल में बहुत कुछ नवीन पटनायक किया है, जैसे कि रोड, रास्ता, सबसे बड़ा बात मेडिकल फैसिलिटी, जो 5 लाख का बीमा दी है वो बहुत बड़ी बात है। और उसमें विकास में शहर में जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, शहर को जितना डेवलप करते हैं, ग्रामीण एरिया में उससे ज्यादा वो फोकस करते हैं। आज उड़ीसा में नवीन जी गरीबों के लिए 20 साल से लोगों पास ना टॉयलेट था, घर था, रोड था, ना स्वास्थ्य कार्ड था, ना कुर्सी के चाची लोगों के लिए 2000 रुपए के लिए सहायता, ऐसा कोई नेता भी आज तक नहीं किए जितना नवीन जी किए। बीजू जनता दल को उम्मीद है कि इस बार भी नवीन पटनायक जोरदार जीत हासिल करेंगे। नवीन पटनायक छाड़े बीजू जनता दल छाड़े किसी नहीं, आउ गत थर से 60,000 ऊर्ध भोट रे जीति एवं एबे मध्य 80,000 टू ऊर्ध ऊर्ध भोट रे निश्चित भाव जितबे। आउ आमर एई अंचल रे बहुत से प्रगति विकास करी चंती। लेकिन राज्य के राजनीतिक विश्लेषक उनकी लगातार जीत की वजहों में महिलाओं की भी भूमिका अहम बताते हैं। राज्य की महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका उनके समर्थन में है, हमेशा से रही है। और 2001 में जब सत्ता में वो आए उसके बाद से ही उन्होंने शुरू किया था मिशन शक्ति, जिसके अंदर SHG ग्रुप के जरिए महिलाओं को संगठित किया गया, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ और अब 70 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जो हमेशा से नवीन के सबसे बड़े समर्थक रही हैं। ऐसा नहीं है कि हिंजली में समस्याएं नहीं हैं। नवीन पटनायक के शासन के 2 दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी दादनखट्टी यानी रोजगार के लिए पलायन एक समस्या बना हुआ है। गोटे पढ़िया पिला जमी गोटे सुट हम काम चाकरी जमी भल कि ना दरमा 12,000-15,000 भितर रही ठीक लगे ये गाँव में किसी इनकम ना बाध्यना बाहर जब पड़ी तुम पाठ छाड़ी बाहर जब कर मैडम जब पाखे करी मैंने ये भल कम से बाहर जब गलापुर भल एतार अच्छे मैडम ना पिस्थित बहुत आम खराब थी आम भी खोजुचु मानते आम ओडार भितर कमी भल जगह मिल भल काम मिल। ये समस्या ओडिशा के अन्य हिस्सों में भी दिखती है। घरों में बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी या खाली घरों में पड़े ताले इसकी तस्दीक करते हैं। हिंजली तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें हैं, यहाँ स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र हैं और साफ सफाई भी दिखती है। यहाँ आंखों का एक बड़ा अस्पताल भी है, यहाँ सब्जियों की अच्छी खेती होती है और यहाँ की सब्जियों की सप्लाई पूरे राज्य में होती है। लेकिन बीजू जनता दल के प्रदेश सचिव शिवराम गौड़ का कहना है कि पलायन की वजह रोजगार की कमी नहीं है। ये आमर हिंजली अंचल, हिंजली निर्वाचन मंडली कृषि बहुल अंचल, आम कृषि उपर निर्भर कर बचुचु। आईटे कृषि आ कृषक विकास सहित जलसेचन सुविधा अच्छे आमर जो कृषि उपर आम निर्भर कर समय पर जो किछि मास सेमानको समय मिल्छ सेमानकर किछि आउ रोजगार पै अन्य जगहको जाउछन्ति, किन्तु दादन सिमिन्दे आमर ओडिसा रे बा आम अंचल रे नाहन्ति। हिंजली में कुछ मतदाताओं ने बताया कि सरकारी योजना होने के कारण लोग बच्चों को 10वीं कक्षा तक तो पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पढ़ाई छोड़कर रोजगार की तलाश में जुटना होता है। पाठ पढ़िया बड़ो नहीं, सरकार जहाँ योजना कहते पाठ पढ़िया जाऊे 10 हेले बंद, 10 हेले बड़ी बड़े विलमाड़ को कार कोड़िया को कार मटी भूं
ସ୍କୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପେଟକୁ ଆଭାର ଆହାର ତ ମେନ୍ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମାଳି ହେଇଯିବ କି ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟାର କଲମ ଖାତା ସରକାର କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହେଲେ କଲମ ଖାତା ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାବା ଆଜି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ ମେଲ ନଥିବ ତୁ ରହିଯା ଏମିତି ଜିନିଷଟିଆ କରିବ ଆଉ ପଢ଼ ନା ଥା ଆମେ ଯାଉଛୁ କାମକୁ ଏମିତି କହିଦେବା କଥା ସରକାର ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦେଉଛି ବାଇସାଇକେଲ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଦରକାର ଯେତିକି ଲୋନ୍ ଦରକାର ଆମକୁ ମଟର ଫିଟିଂ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦରକାର ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା କରିପାରିବେ ଏବେ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଚାରିପାରିବେ केंद्र की बीजेपी सरकार को बीजेडी का समर्थन हासिल है वहीं राज्य में बीजेडी सरकार को अब तक बीजेपी का समर्थन हासिल था लेकिन यहां फिलहाल दोनों प्रतिद्वंदी बने हुए हैं यहां से शिशिर मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो वोटर को मानसिकता है वो संपूर्ण चेंज हो गया है और दूसरा जो है बहुत बड़ा इशू है वहां पे दादन का वहां पे आप देखिए जो न्यूक्लियर फैमिली दादन स्थानांतरण काम की तलाश में दूसरी जगह जाना बहुत सारे आप मैं आपको चार पांच पंचायत के नाम बता रहा हूँ जैसे सारू खंडरा जैसे गंडला और सिकरी जैसे बहुत सारे पंचायत है आप उसमें एक बार अगर घूम के जाइए देखेंगे तो कम से कम लगभग आपको 40-45% घर में ताला लगने वाला दिखाई जाएगा आपको वहाँ का पूरा घर ताला पड़ा हुआ है और वजह वही दादा यहाँ तो कुछ भी नहीं है एंजॉय कार्ड निर्वाचन मंडली में 25 साल मुख्यमंत्री होने के बाद एक सेफ्टी पिन का भी कारखाना नहीं हुआ है यहाँ पर मुख्य टक्कर बीजेडी और बीजेपी के बीच है लेकिन एक तरफ कांग्रेस भी है पर्टिकुलर गंजाम डिस्ट्रिक्ट से 60% युवा बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए विशेष करके सूरत पूरा का पूरा तो सूरत अपन ढूंढो तो 10 लाख लोग होंगे सूरत में गंजाम जिले का इस बार नवीन पटनायक हिंजली के अलावा एक और विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं कोंटाबांजी और इन दोनों ही इलाकों में रोजगार के लिए पलायन बड़ा मुद्दा है गंजाम से माइग्रेशन को कैसे रोका जाए ये 26 सालों में नहीं हुआ और उसको चुनावी मुद्दा बनाने में ना बीजेपी ना कांग्रेस इनका भी कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि दे आर वेरी सीरियस टू रेज दिस क्वेश्चंस तो एक ऐसा होता है ना नवीन पटनायक्स सक्सेस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द फेलियर ऑफ द अपोजिशन एज इफ अपोजिशन वांट सीम टू कंटिन्यू लेकिन इन सबके बीच नवीन पटनायक ने करीब 24 सालों से ओडिशा का अपना किला बचाए रखा है बिना किसी आक्रामकता और सामाजिक विभाजन की राजनीति किए वे ओडिशा में लगातार सत्ता में लौटते रहे हैं न कांग्रेस उनको कभी चुनौती देने की स्थिति में दिखी है और न ही भारतीय जनता पार्टी कभी उस स्थिति तक पहुंच सकी है